नमस्कार किसान भाइयों, आज हम शिव शक्ति एजेंसी पर हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की मोदीपुरम में, और इनके यहाँ पे एक ऑटोमेटिक आलू बोने की मशीन आई हुई है शक्तिमान कंपनी की। ये जो शक्तिमान ग्रीमी की है। अच्छा, शक्तिमान ग्रीमी है। बिल्कुल। अच्छा, ग्रीमी ने शक्तिमान के नाम से उतारी है। नहीं, ग्रीमी ने, यहाँ पे जो ग्रीमी है जो जर्मन की कंपनी है। बिल्कुल। और जो शक्तिमान के साथ में टाई अप करके असेंबल होती है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, सही बात है। तो किसान भाइयों, ये जो है शक्तिमान के साथ में टाइड अप करके ग्रीमी ने उतारी है। बहुत ही अच्छी मशीन है, ऑटोमेटिक है। ये आप देख सकते हैं हर जगह से जो इसकी बनावट है और जो इसकी क्वालिटी है वो बिल्कुल बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी है। और इसमें जो है टायर भी लगाए गए हैं छोटे छोटे बैलेंस करने के लिए। ये टायर जो होते हैं, मतलब जो इसमें आलू आते हैं ना, जो आलू के लिए ड्राइव जो टायर से आती है। बिल्कुल। हाँ। और जो इसको हमारी ये जो मशीन है 26 इंच से 34 इंच तक काम। अच्छा, 26 इंच से 34 इंच तक। हाँ, बड़ी गूल भी बना दे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हमारी ये तीन वो है, इसमें हम तो सेटिंग। अच्छा, बड़ा छोटा कर सकते हैं। अच्छा, 28 से 30 से। बिल्कुल। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसकी चौड़ाई घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से भी ऊपर नीचे इसका बेड जो बनाती है, जो ऊपर से गूल को दबाती है, उसका भी सेटिंग हम कर सकते हैं। और अंदर जो है इसमें अंदर भी सेटिंग दी गई है। ये जो अंदर तवे जो होते हैं, ये जो मिट्टी को आलू के ऊपर चलाते हैं। जी बिल्कुल। वहाँ पे अंदर की साइड में हमारा बीज आता है, जो आलू आता है। तो ये जो तवे हैं जिसके मिट्टी को आलू से मतलब दबाते हैं। बिल्कुल। आलू के ऊपर मतलब मिट्टी का मतलब प्रेशर नहीं होता, दबाव नहीं होता, बहुत ही हल्के से आलू। बिल्कुल सही बात है। और पानी अंदर तो अच्छे से आ जाए। पहले इनसे मिट्टी आएगी, फिर ये दोनों साइड से इसकी पट्टी बनाएंगे और ये जो है बैट बनाएगी। फिनिशिंग के लिए है। बिल्कुल। आलू में हमारे बिल्कुल। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं इसमें एक आलू यहाँ पे हो गया, फिर एक यहाँ। तो उससे उसकी दूरी बढ़ जाती है बीच की। नहीं, जो खेत में आलू की रिकवरी ज्यादा होती है, ज्यादा आती है। बिल्कुल सही बात है किसान भाई। ये जो है जिगजैग हिसाब से आलू लगाती है गूल के अंदर, और 24 इंची से 34 इंच तक की बैड ये बनाती है। मैक्सिमम आप इसमें 500 किलो मतलब 5 क्विंटल तक आलू इसमें आप भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी, मजबूत और बहुत ही अच्छी तरह से चलने वाली मशीन है। तो भैया, कितने पावर का ट्रैक्टर चला लेगा इसे? इसके लिए अब 50 HP से ऊपर हम लोग 4x4। अच्छा, 50 horsepower से ऊपर का 4x4 ट्रैक्टर। बिल्कुल सही बात है किसान भाइयों, इसे 4x4 ट्रैक्टर ही चलाएगा। और ये देख सकते हैं आप, शक्तिमान ग्रीमी के मिलने से ये जो मशीन बनी है, और बहुत ही अच्छी मशीन बनी है ये। और ये आप देख सकते हैं इसमें हर जगह सेटिंग है मशीन के अंदर, हर जगह सेटिंग है ऊपर नीचे। ये जो ई है और जो एम एस की सेटिंग होती है, मतलब वाइब्रेशन की होती है, मतलब वाइब्रेट जो होती है बेल्ट होती है, वो तो मैनुअल में। बिल्कुल। और एक जो इसका अलग से मतलब इसका वाइब्रेटर आता है अलग से, जो ट्रैक्टर की मतलब बैटरी से चलता है। अच्छा, बिल्कुल। हमारे उस काम में आता है, ताकि हम जो बड़ा आलू होता है उसको काट के अगर हम बोए तो वो उसके लिए है, उसके लिए होता है वाइब्रेट। बिल्कुल। किसान भाइयों, कई बार बीज के साइज होते हैं बड़े छोटे, और कई बार बड़ा आलू काट के भी बोया जाता है नया बीज बनाने के लिए। और किसान भाइयों, आप इसमें ये भी सेटिंग देख सकते हैं, आप इसमें कई तरह की सेटिंग है। इसके साथ में एक गरारी भी दी गई है। इसके अंदर 5 है, वो इसके अंदर है यहाँ पे। जी, किसान भाइयों देखिए कितनी आसानी से इन्होंने जो है बॉक्स को खोल लिया है, और इसमें जो है पूरी सेटिंग है इसके अंदर। इसके अंदर जो गियर है ये 16x40 के हैं, तो उस पर हमारी 8 सेंटीमीटर की दूरी आएगी। बिल्कुल। और जो हमारा 19x40 पे 9.5 की, हम जितनी भी दूरी पे आलू रखना चाहें बिल्कुल और वो सेट होगा, और जितनी दूरी हम सेट सही बात करेंगे उतना ही आएगा। बिल्कुल। अभी हमने एक किसान भैया ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही सिंपल हल्के से हटाएंगे।
करारी यहाँ डाल देंगे, बिल्कुल इसमें डाल देंगे। अच्छा ये दे रखी है एक्स्ट्रा स्पेयर में? हाँ जी स्पेयर में। किसान भाइयों एक गरारी यहाँ पे लगी है स्पेयर में, और एक दो तीन चार, चार गरारी स्पेयर में यहाँ लगा रखी है इन्होंने, और ये इसमें जो है असेंबल है इसके साथ में, और इन्हें भी आप जो है पिन के माध्यम से निकाल सकते हैं। टूल्स नहीं चाहिए, स्पीड इसकी कम ज्यादा करी जा सकती है, बिल्कुल स्पेस घटाया बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल। किसान भाइयों ये देख सकते हैं इसमें जो है कितने आलू पर हेक्टेयर में आप डाल लेंगे, उसी हिसाब से मशीन जो है पूरा आपको ब्यौरा देती है जहां आप सेटिंग करते हैं। ये इसकी बुक है इसके साथ में, ये इसकी बुक है, यहीं पर आती है, उसी हिसाब से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। बेड की चौड़ाई के हिसाब से गोल में आलू कितने फुट में या कितने इंच में कितने आलू डाल रही है मशीन, वो आपको पूरा मशीन जो है बताती है कि अब ये यहाँ पर सेट है और यहाँ पर इतने आलू डाल लेगी। तो इन्होंने भैया ने फिर दोबारे से ये एक पिन लगाते ही ये इसमें सेट कर दी, और भैया ये भी बंद है पूरी तरह से, बोल्ट लग रहे हैं लेकिन इसमें आर पार दिख रहा है। ये जो उसके लिए है कि अगर जो ड्राइवर होता है कि आलू, बिल्कुल बिल्कुल, अपना हट दिख जाता है। अच्छा अच्छा ये यहाँ से हट जाता है, और किसान भैया ये भी चौड़ा और नेड़ा किया जा सकता है, ये देख सकते हैं आप, कि हमें अगर एक साइड में आलू डालना है, बिल्कुल बिल्कुल रोकना है। अच्छा हम इसको हटा देंगे तो उधर के ड्राइव जो रुक जाएगी, हाँ वो उसमें घूमनी शुरू कर देगी उसके अंदर। अगर हम किसान भैया हमें ये गोल बंद करनी है, आलू की लाइन बंद करनी है, तो यहाँ से इसे पिन को निकाल दें, अलग रख लें, और तो ये चलती रहेगी और ये बंद हो जाएगी, और अगर ये निकाल देंगे तो ये बंद हो जाएगी, ये चलती रहेगी। तो किसान भाइयों बहुत ही अच्छी हैवी और बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब ड्राइव करने वाली और गूल के हिसाब से आलू डालने वाली, गिन गिन के आप इसमें आलू डाल सकते हैं। आप जितने एक हेक्टेयर में जितने पीस आप डालना चाहेंगे, बिल्कुल ही आएंगे, जितनी दूरी पर डालना चाहेंगे उतनी दूरी पर आएंगे, और जितनी गहराई, बिल्कुल जैसा मतलब पहले मशीनों पर दो दो आदमी बैठते थे, आदमी का काम नहीं है, अकेला आदमी ही चला सकता है, बिल्कुल। किसान भाइयों ये तो शायद इंडिया में मुझे अभी अपने क्षेत्र में पहली बार जो मशीन दिखी है ऑटोमेटिक, जिसमें आदमी नहीं बैठते, अकेला ट्रैक्टर जो ड्राइवर है वो चला सकता है बड़े आराम से। तो किसान भाइयों आपको मशीन और वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, प्लीज हमारे साथ में, इसके साथ साथ में मैशियो कैश पार्टो की एजेंसी भी है, बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों आप वीडियो में देख सकते हैं, पहले मास्को कैश पार्टो की जो है महिंद्रा के पास में ही है मोदीपुरम में एजेंसी, और इन्हीं के पास में अब ये ग्रीमी जो शक्तिमान के साथ में मशीन उतार रही है, इसकी भी एजेंसी इनके पास में आ गई है, जो हाँ बिल्कुल। किसान भाइयों ये जो ग्रीमी है ये जर्मन की टेक्नोलॉजी है, ये जर्मन की बनाई हुई मशीन है जिसे इन्होंने शक्तिमान के साथ में उतारा है, और यहाँ शिव शक्ति एजेंसी के पे इसकी एजेंसी है, तो ये अगर हम लेना चाहेंगे यहाँ से मिल जाएगी। तो भैया इसका प्राइस क्या रखा? इसका प्राइस है 3,99,000 रुपये। अच्छा 3,99,000 रुपये, बिल्कुल बिल्कुल। किसान भैया वाइब्रेटर और जो तुम और भी आइटम अगर इसमें लगवाना चाहते हो अलग से, बिल्कुल, अब फर्टिलाइजर है, अब वाइब्रेटर है, जी जी, उसका मतलब चार्ज जो अलग होता है। अच्छा अच्छा फर्टिलाइजर भी लग जाता है इसके साथ में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों ध्यान रहे कि उसके अलग से पैसे होंगे, और इसे 4x4 ट्रैक्टर ही चला पाएगा। तो किसान भाई लेने से पहले जो है एक बार एजेंसी पा के जरूर इसके बारे में जानकारी ले। धन्यवाद, जुड़े रहिए।